आई होप सो वेट। यूनिट हाइड्रोग्राफ। ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन डी आवर यूएच डिराइव एम एम म्हणजेच एक पकडू शकता 2 ओवर्स 3 ओवर्स 4 ओवर्स डी हायड्रोग्राफ 4 ओवर्स डी आर्स यू एच। ओके यानी यूनिट हाइड्रोग्राफ डिफरेंट ड्यूरेशन डिफरेंट ड्यूरेशन है। 2 घंटे का हाइड्रोग्राफ से हम 4 घंटे के हाइड्रोग्राफ पे जा सकते, 4 घंटे के हाइड्रोग्राफ से 2 घंटे के हाइड्रोग्राफ पे भी आ सकते। ओके टू डिराइव टू डिराइव ए यू एच ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन टू मेथड्स आर अडॉप्ट टू मेथड्स आर अडॉप्ट। फर्स्ट मेथड सुपर पोजिशन मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। टू डिराइव अ यूएच ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन टू मेथड्स अडॉप्टेड, दो मेथड्स अडॉप्ट है उसमें से पहला सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मेथड। ओके नहीं सुपर पोजिशन मेथड, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मत बोलो, सॉरी सॉम में चल गया मैं, सुपर पोजिशन मेथड। ओके सो मेथड ऑफ सुपर पोजिशन दिस मेथड इज अडॉप्टेड ओनली वन एम इज एन इंटीजर, एम इट इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 इज एनी वैल्यू, कुछ भी रह सकता। एग्जाम्पल ए पहला पार्ट 6 आर यू एच डिराइव टू 12 आर यू एच, तो क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा 6 यानी कितना हो गया 12 आवर्स। समझे क्या? देखो 6 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो आपको उसको 12 घंटे के लिए करना है। मैं क्या कर लूंगा 6 × 2 कर लूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 6 × 2 12 आवर के लिए हो जाएगा, तो 6 × 2 12 आवर के लिए। उसी तरह बी 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ है मुझे डिराइव करना है 6 आवर्स के लिए, तो मैं एम मेरा क्या रहेगा बताओ, एम मेरा क्या रहेगा थ्री एक्जेक्टली 3 रहेगा। सो मैं 3 से इंटू कर लूंगा 2 को,
दैट इज माई डी. ओके, तो वही लिखा है मैंने, डी इंटू एम आर एड होगा. ओके, नाउ सी, वन आर यू एच डेराइव टू थ्री आर यू एच. सो थ्री इंटू वन एम इज इक्वल्स टू थ्री इंटू वन आर यू एच. ओके, थ्री इंटू वन आवर यू एच. Our next. Next it is SQR method. SQR method is very important. Okay. Maximum question asks on the SQR method. Direct question. Okay. SQR method. It is generally adopted when M is a fraction. M is a fraction. Can also be used any value. Of M. For example, M is equals to 1/3, 1.5, 2/3. We see there are 2, 3, 4, 5, kuch bhi value. Example, 1 hour UH, 1 घंटे का बारिश 3 घंटे में डिराइव करना है, इंटू 3 यहाँ पे भी कर सकते हो, 3 hour UH, तो 3 into 1 UH इस तरह रहेगा. 3 क्या है फिर, दैट इज एम, दैट इज डी. ओके, फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, 3 hour UH को 3 घंटे के स्टॉर्म को 1 घंटे में कन्वर्ट करना है, ये कर सकते यहाँ पे कर सकते. ओके, यहाँ पे नहीं कर सकते, बोले सीधा जा सकते सामने, पीछे आने के लिए डिवाइड में एम में नहीं ले सकता, डिवाइड में एम में कहाँ पे ले सकता, एस्क्वायर में ले सकता. सो 1 आवर करना है मुझे, सो क्या करूंगा मैं, 1/3 एम रहेगा इंटू 3 यू एच, हो गया 1. ओके, दैट इज डी. मुझे 2 घंटे से 3 घंटे डिराइव करना है, ये तो यहां पे होगा, 2 घंटे से 2 घंटे का यू एच डिराइव करना है, दैट इज डिराइव. क्लियर है ना बोर्ड, क्या फ्रेंड दिख रहा पूरा, क्लियर है. सो 3 आवर्स प्रोवाइड करना है मुझे ये बच. सो मैं क्या कर लूंगा, 3 करना है तो 3/2 × 2, 2 2 गेट कैंसिल होने को ना, That's why 3/2 × 2. यानी जो आवर डिराइव करना है वो और ऊपर लिखना,
जो और अपने पास अवेलेबल है वो नीचे लिखना और इनटू कर देना, यानी वो कैंसिल हो जाता है और जो आवर्स के लिए करना है वो आवर्स के ऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाते हैं। ओके ऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाते हैं। ओके गाइस, तो दैट इज एस्कोर मेथड, दैट इज व्हाट एस्कोर मेथड। नेक्स्ट, अभी अपन डायरेक्टली एग्जांपल में जाते हैं मेथड ऑफ सुपर पोजिशन के। नेक्स्ट अगेन मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। यूनिट हाइड्रोग्राफ का ये एक फायदा है एक्चुअली, आप वो भी आवर्स में से कोई भी आवर्स में जंप कर सकते हैं और उससे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ और स्टोन हाइड्रोग्राफ आप बना ही सकते हैं बाद में। और ये काहे के लिए चल रहा है, क्यों चल रहा है कि अपने पास स्टोरेज कितना वॉल्यूम अवेलेबल है ये निकालने के लिए। नहीं तो क्यों फालतू निकाल रहे हैं अपन, ये फालतू नहीं है, अपने पास स्टोरेज कितना अवेलेबल है वो निकालने के लिए हम ये निकाल रहे हैं। वो कितने बारिश गिरी तो कितना स्ट्रोम आएगा, कितने इतने स्ट्रोम से इतना इतनी बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ का भी यानी फ्लड का भी निकालने के लिए और स्टोरेज कितना है वो भी निकालने के लिए, दोनों निकालने के लिए इसका यूज है। मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। DRUH, डिराइव एम इनटू DRUH। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। ओके, सो सी गेस एग्जांपल 3RUH डेराइव टू 12RUH। तो यहाँ पे 0 to 3 ही रहेगा, यहाँ पे 3 into 4 करेंगे, 4 3 12 ना, M4 राइट, D3 आहे, ते बघूड आपल्याला काय भेटल, 12RUH भेटल। तर इथे 0 3 9 sorry 6 9 आणि 12, जिथे 0 आणि 3 मध्ये काम होत होतं तिथे आता 0 आणि 12 डायरेक्टली अपने को लेना पड़ेगा। ओके, तो ये होगा कैसे, लेट अस कंसीडर। ए 3RUH विथ ए टाइम बेस टीबी ऑफ
18 आर, सॉरी ब्रैकेट में मत लिखो, डायरेक्ट लिखो 18 आर आज शोन इन दी बिलो फिगर। As shown in the below figure. एटीन सो इस तरह का कुछ तो भी एक यूएच है। कुछ तो भी एक यूएच है, 3 आर सी एच, यहां से 3 घंटे का यूएच है। मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेगा इधर क्यू डिस्चार्ज, 3 आर यू एच। ओके, उसको कन्वर्ट कहाँ में कर रहे हैं, 12 आर यू एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी ये पहला 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो 0 से ही चालू हो रहा, 0 पे खत्म हो रहा, ये ऑर्डिनेट्स है। फिर अभी दीज आर द ऑर्डिनेट। ओके, चेंजिंग आवर कितने हो गया अभी यहाँ पे? यहाँ पे मैंने जितने भी लाइंस लिखे हैं तो चेंजिंग आवर सभी मेरा 1-1 आवर्स के हो गया। 1-1 आवर्स का मेरा चेंजिंग टाइम हो गया। चेंजिंग टाइम इट इज इक्वल टू 1 आवर। टीबी टाइम बेस कितना है मेरा? टोटल टाइम बेस कितना है गाइस? 18 18 आवर्स। यस एग्जैक्टली, 18 घंटे का टाइम बेस है, टोटल 18 घंटे का टाइम बेस है। चेंजिंग आवर इज इक्वल टू, आप कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए तो आप एक 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 आवर्स के भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले सकते हो। तो चेंजिंग टाइम या फिर चेंजिंग आवर 1 आवर, टीबी टाइम बेस 18 आवर। ओके, तो अभी क्या करना है, 3 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक मुझे कन्वर्ट करना है, सॉरी 3 आवर्स से लेके 12 आवर्स का मुझे कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप, ये पहली स्टेप पकड़ लो आप, सेकंड स्टेप ड्रॉ दी गिवन 3 आर यूनिट एट्रोग्राफ 4 टाइम्स एम, यानी वो एम टाइम्स बोलते हैं ना हम, एम टाइम्स ईच 3 आर लैगिंग, ईच थ्री आर लैगिंग बाय 3 आर फ्रॉम प्रीवियस वन, फ्रॉम द प्रीवियस वन। लैग डी आर आप ये बोल सकते, हाँ शोन इन द बिलो।
सी योर गाइस। मैं यहाँ पे थोड़ा और बारीक जाना पड़ेगा अपने को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी, सॉरी 19 खा लिया मैंने, 19, 20, 21, 22, 23। आप बोलेंगे इतना क्यों जा रहे हो बाबा, 30 तक चले जाते हैं अपन को। 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके सो नेक्स्ट। टाइम बेस कितना है? 18 आवर्स। पहले निकाल लो 18 घंटे वाला अपना। जीरो टू 18 घंटे वाला पहले निकाल लिया बाबा, 0 to 18 घंटे वाला पहले निकाल लिया है। ओके अब 3 आवर्स लैग बोल रहा, 3 आवर्स लैग, तो सेकंड वाला जो मेरा चालू हो जाएगा, ये मेरा 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 3 R UH, where R is equals to 1 cm। ओके जो मैंने यहां पे निकाला था 3 R UH, R is equals to 1। ओके इसको अभी छोटे इसमें मैंने निकाल लिया। अब 3 घंटे लैगिंग बोल रहा है, 3 घंटे क्या बोल रहा है, लैग कर रहा है। अरे यार यहाँ पे 0 लाइन होना था, 0 से होना था, मैंने 1 से कर लिया, गलती हो गई। जीरो। ओके सो ये 3 आवर्स यूनिट होगा सबसे पहले, बाद में अभी मुझे कहाँ से जाना है, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स करके 12 आवर्स के लिए जाना है। देखो तीन घंटा तीन घंटा तीन घंटा तीन घंटा, यानी यहाँ पे 3 6 9 12, यानी कितने 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए आपको, 1 2 3 4, 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको चाहिए। पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ ये है, तो 3 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको कितने बार लैग करना पड़ेगा, 3 बार लैग करना पड़ेगा। प्लीज अगेन आप समझ लो, ये पहला हो गया, और 3 बार अभी इसको लैगिंग करना पड़ेगा। अब लैगिंग क्यों, आपको 3 से और एक चालू करना पड़ेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके बाद में आपको 6 से चालू करना पड़ेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ, बाद में आपको 9 से चालू करना पड़ेगा सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ, बाद में आपको 12 से चालू करना पड़ेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ 12 से, फिर उसकी एडिशन करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। गाइस अगर आपको सुपर पोजिशन, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन जाना है, तो आपको उसी तरह ऐड करते जाना पड़ेगा, यानी ये आपको तीन 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 आर से लैग करके आपको पूरा ऐड करके एक आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट मिलेगा, और वो हाइड्रोग्राफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। तो आपका आर वहां पे कितना हो जाएगा, दिस R1 यानी R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस जो 4 रहेंगे, तो आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, और वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपको 4 सेंटीमीटर वाला मिल गया।
उसको डिवाइड बाय अपॉन फोर करके आपको फिर से आप यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको ये मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत दिक्कत है। यस दिक्कत ऐसी लगती है लेकिन बहुत इजी। तो आप देखते हैं इसको फिर से। ओके अभी आपका 1 आवर यूनिट यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। अभी आपको लैग करना है 3 से। सो मैंने 3 से इसको फिर से लैग कर दिया है। कहाँ तक चले जाएगा? 21 तक चले जाएगा। अभी 21 तक चले जाएगा। दैट इज 3 आवर लैग। ये भी 3 आवर UH। 3 आवर UH, R इज इक्वल्स टू 1। देन अभी 6 से करना पड़ेगा। 6 से आपका जाएगा कहाँ तक जाएगा? 6 से 24 तक। यहां से भी 3 घंटे पकड़ना पड़ेगा ना। इधर से देखो पहला पहला हम 3 पे आए, नेक्स्ट हम 6 पे चले गए, अभी हम कहाँ पे जाएंगे? 9 पे चले जाएंगे और बाद में 12 पे चले जाएंगे। तो 9 आवर से लेके फिर कहाँ तक चले आएगा? 27 तक चले आएगा। 9 से लेके 27, कितने हाइड्रोग्राफ हो गए गाइस? एक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ओके ये तीसरा 3 आर UH, R is equals to 1, ओके एंड यहाँ पे भी 3 आर्स UH, R is equals to 1। तो 4 हो गए। 4 चाहिए थे आपको, कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे। 4 4 हो गए। 1 2 3 4 4 चाहिए थे। क्यों 4 चाहिए थे? 4 टाइम्स करना था तो 4 टाइम्स 1 2 3 4। तो 3 आपके यानी 9 से भी एक 0 से स्टार्ट हुआ, एक 3 से स्टार्ट हुआ, एक 6 से स्टार्ट हुआ, एक 9 से स्टार्ट हुआ। तो आपका टोटल हाइड्रोग्राफ्स 4 हाइड्रोग्राफ्स आपको मिल गए। 4 हाइड्रोग्राफ्स आपको मिल गए। अब इसके टोटल अपन क्या करेंगे, इसके टोटल ऑर्डिनेट्स अपन जितने भी ऑर्डिनेट्स अभी यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं वो पूरे ऐड करेंगे तो कुछ अपने को क्या मिल जाएगा, इस टाइप का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिलेगा जिसका आर 4 रहेगा, डी आर एच, जिसका आर क्या रहेगा? 4 सेंटीमीटर रहेगा। क्यों 4 सेंटीमीटर रहेगा? दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लस दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लस दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लस दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ, यानी आर 1111 ऐड कर दिया तो R is equals to 4 हो गया। तो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया। अब ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या के लिए मिल गया? 12 आवर्स के लिए मिल गया। कितने के लिए मिल गया? 12 घंटे के लिए मिल गया। अब ये 12 घंटे का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से आपको UH जाना है तो डिवाइड बाय 4 आपको कर देना पड़ेगा, खत्म। तो 4 आवर आपका क्या मिल जाएगा? यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको मिल जाएगा जो टोटल रहेगा। समझे क्या? ये पहला लैग 3 आवर लैग, दूसरा 3 आवर लैग, तीसरा लैग, चौथा लैग, चौथा लैग नहीं, हाँ चौथा लैग। तो इतने सारे लैग्स हो गए, फर्स्ट लैग, सेकंड लैग, थर्ड लैग, फोर्थ लैग। ओके तो यहाँ तक हाइड्रोग्राफ नहीं बनेंगे सर। क्या चौथा का मुझे 12 पासन बनता है? हाँ 12 ते 30 म्हणजे पाचवा होऊन जाईल ना। तो मग 9 पासन जो चालू झाला तो 12वाच आहे ना। 9 ते 12 बघ, पहिला 0 पासन चालू झाला तर तो 0 ते 3 झाला, त्याच्यानंतर 3 ते 6 दुसरा हायड्रोग्राफ, 6 ते 9 तिसरा हायड्रोग्राफ, 9 ते 12 चौथा हायड्रोग्राफ, 12 ते 15 चालला असेल तू पाचवा हायड्रोग्राफ होऊन जाईल। म्हणजे 15 आवर्स UH साठी तू चालला जायचे। तुला 15 आवर्स UH नाही पाहिजे ना, तुला काय पाहिजे? 12 आवर्स UH पाहिजे, म्हणून तुला 4च जाणे। ओके म्हणून ते लॅक पण तिथे बरोबर लिहा तुम्ही, तेव्हा तुम्हाला ते कळेल। इसके एग्जाम्पल्स लेंगे तो और अच्छे से पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ जाएगा आपको, सो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट, ऐड दी
करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स विच विल रिजल्ट्स इन ए डी आर एच ड्यू टू आर इन सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल आर इज इक्वल टू एम सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। अब आपको ये तो पता है कि 12 आवर डायरेक्ट राउंड ऑफ हाइड्रोग्राफ टू यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे करते हैं। ओके, तो ये अभी यहाँ पे डिराइव कर लेंगे। ऑर्डिनेट ऑफ दी ऑर्डिनेट्स ऑफ दी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ वन डिवाइडेड बाय रन ऑफ गिव्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ यानी 12 आवर यूएच इज इक्वल टू 12 आवर डी आर एच बाय रन ऑफ और यहां पे भी 1 सेंटीमीटर रन ऑफ। तो यहां से आप इधर इंटू कर लोगे खत्म। 12 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलने के लिए डिवाइड बाय आप कर लोगे रन ऑफ इनटू 1 सेंटीमीटर 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 गेट कैंसल। तो आपको क्या मिल जाएगा 12 आवर यूएच आपको मिल जाएगा। ओके तो गाइस नोट प्लीज नोट मेथड ऑफ सुपर पोजिशन डी आर यू एच डिड आई एम डी आर यू एच बाय लैग क्या करके लैग करके हम करेंगे। गिवन डी आर डी आर यू एच एम नंबर ऑफ टाइम्स एम नंबर ऑफ टाइम्स सच एज सच डी आर यू एच शुड लैग बाय डी आर फ्रॉम प्रीवियस वन। फ्रॉम प्रीवियस वन पहले 0 टू 3 तो 3 से यानी 3 से लैग हुआ डी अवर्स। डी अवर्स कितना है 3 अवर्स तो 3 अवर्स से लैग हुआ। बाद में फिर से 3 से और 3 ऐड कर दो 6 हो जाता तो फिर दूसरा लैग हुआ सेकंड लैग 3 अवर्स का देन थर्ड लैग 3 अवर्स का देन फोर्थ लैग 3 अवर्स का। तो ऐसे 4 लैग यानी 3 लैग अपने को करना पड़ा। पहला तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ ही था तो 3 लैग्ड वाले अपने को करने पड़े। तो अपने कितने हो गए फिर
चार यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गए, और चार यूनिट हाइड्रोग्राफ को अपन ने ऐड किया, तो वही अपन लिख रहे हैं। ओके, फॉर द रिजल्ट ऑफ डी आर, आप इसके सामने लिखो गाइस नोट, फॉर द रिजल्टिंग डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, 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 for the resulting direct run of hydrograph, runoff value will be equals to m centimeter. Runoff value is equals to m centimeter. Runoff value is equals to m centimeter. That theory is important. Directly theory पे ही question पूछ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अपन क्वेश्चंस भी लेंगे गाइस, इसके अपन क्वेश्चंस भी लेंगे। अभी हम 5 से 10 मिनट में देखते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, यानी यूनिवर्सिटी पार्ट।